अच्छा ये सब कैसे हुआ मुझे बताओ, ये हालत देखो तुम्हारी। बताना वंश क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? दादी अगर कबीर ने आज मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं जिंदा नहीं लौटता। ऐसा नहीं बोलते, शुभ शुभ बोल बेटा। आर्यन अंग्रेज को कमरे में ले जाओ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। फर्स्ट एड बॉक्स कबीर को दे दो, उसे भी चोट लगी है। थैंक यू सो मच मेरे वंश भैया की जान बचाने के लिए। हाँ कबीर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज अपना परिवार बिखरने से बचा लिया। तारी सौतेला ही सही पर भाई तो हूँ, अपनी ही फैमिली को बचाने के लिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। कबीर रिश्ते सगे या सौतेले नहीं होते हैं, खबरदार जो आज के बाद अपने आप को सौतेला कहा तो। भाई की जान बचाने के लिए खून खौला ना तुम्हारा। खुश रहो। उसकी जान बचाई क्यों? नितिमा मैं अब जो भी बोलूंगा तुम विश्वास तो करोगी नहीं, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं भी इंसान हूं, मेरे भी इमोशंस हैं, बस फैमिली वाले इमोशन आ गए। तुम विश्वास नहीं करोगी बट ऑनेस्टली आई केयर अ डैम नितिमा। थैंक यू। कबीर हम दोनों के बीच में जो भी हुआ हो पर मैं इस सच को कभी नहीं भूलूंगी कि आज तुमने वंश की जान बचाई है। इस सच के सामने बाकी सारी चीजें बहुत कमजोर हैं। तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटाई है। काफी चोट लगी है, ख्याल रखना अपना। थैंक यू। इस थैंक यू वाले ट्रस्ट को वापस पाने के लिए तो बचाया वंश को, मुझे तो तुम्हें हासिल करना है। वंश ये गोली मुझे खुद निकालनी पड़ेगी, तुम्हारी। खुद निकालने का क्या मतलब है? बस प्लीज पागल हो गए तो खुद कैसे निकाल सकते हो? ये डॉक्टर का काम है। तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम कुछ नहीं करोगे। हेलो सिटी हॉस्पिटल, बस क्या कर रहे हो? रितमा मैं डॉक्टर को नहीं बुला सकता हूँ। किसी बाहर वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर आएगा, 100 सवाल करेगा जिसके कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पर ये गोली खुद कैसे निकालेंगे? ये बहुत मुश्किल है। I know. कैसे निकालोगे ये बुलेट? क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? ये खून देखकर हालत खराब हो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम कह रहे हो ये गोली निकालूं मैं?
लिसन, ये डॉक्टर का काम है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। कुछ उल्टा सीधा हो गया, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम पागल हो, मैं नहीं कर सकती हूँ ये। तो मेरी आंखों में देखो, अरे तुम, तुम मेरी ताकत हो, मेरे साथ होगी ना तो मौत को भी हरा के आ जाऊंगा मैं। जीने की मेरी ये वजह मुझे मरने नहीं देगी। तुमसे प्रॉमिस किया है ना मैंने कि तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जादू, हाथ कांपने बंद हो गए जैसे ही मैंने छुआ उनको। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है रितिमा, और खबरदार, जो अपने आप पे शक करके मेरे जजमेंट को गलत साबित करने की कोशिश की तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूं। Just do it. रितिमा, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो, अपने प्यार को बचाना चाहती हो, तो सिर्फ तुम ही ये गोली निकाल सकती हो। क्योंकि अगर तुम ये गोली निकालोगी ना, तो मुझे दर्द नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे चेहरे की ओर देखूंगा, और अगर तुम्हारे चेहरे पे घबराहट आई ना, तो मुझे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। Just do it. ज्यादा मत सोचो, सोचो कि तुम एक डॉक्टर हो, ओके? आई एम विद यू, जस्ट डू इट। सॉरी, रिलैक्स, रिलैक्स, या वी गॉट दिस। निकल गई, मैं पट्टी दूंगी, कुछ नहीं है। जोजो, यू कैन डू दिस। कहीं और चोट लगी है, मैं बैंडेज कर देती हूँ, बताओ। तो कोई चोट नहीं लगी है। चोट मेरे दिल में लगी है रितिमा। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता ना मैं। मेरी दी हुई ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अब ये खराब हो गई है, आओ चेंज कर ले। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। एक दिन आएगा, तुम भी इसी तरह मेरे जख्मों पर मरहम लगाओगी। तुम्हारे लिए आज, तुम्हारे तरफ फिर से कदम बढ़ाने के लिए ना चाहते हुए भी अपने दुश्मन को बचाना पड़ा मुझे। down,
रधवा, मैंने तुम्हें स्टडी रूम में देख लिया था वंश के साथ। तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ, मैं अपना कर्म निभाता हूँ। को मौत के मुंह से बचाने वाला भी मैं, मौत के मुंह में डालने वाला भी मैं। सी, सही है ना? आज एक तीर से मैंने कितने शिकार किए हैं, उसी का इनाम ही है। जैन की डील में मैंने वंश की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी, उसके लिए एकदम ताजा फ्रेश दुश्मन खड़ा कर दिया है। फिर परिवार का, वंश का, तुम्हारा भी भरोसा जीता, ऐसे जीरो से हीरो बन गया मैं। नॉट बैड कबीर, नॉट बैड। तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए आज मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचानी पड़ी, और अब मेरे सबसे बड़े दुश्मन को ये लगता है कि मैं उसका रक्षक हूँ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा। हारेगा एक दिन, मेरा प्यार, मेरी तड़प जीतेगी, और उसके बाद बहुत जल्द ये तस्वीर वाली नहीं, असली रिद्धिमा मेरे भाव में होगी। हैप्पी बर्थडे शानी। थैंक यू आंग्रे, तुम्हें याद था? प्रॉमिस किया था ना तुमसे कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखूंगा, कैसे भूल सकता हूँ। देखो शानी, मैं जानता हूँ तुम हमारी शादी से खुश नहीं थी। आंग्रे, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। जस्ट वन सेकंड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे to you। फिर तो तुम्हें आज दो पीसेस खाने पड़ेंगे, एक तुम्हारे लिए और एक हमारे बच्चे के लिए। दिस वन फॉर यू एंड दिस इज फॉर आवर बेबी। वैसे तुम ये कर क्या रही थी? ओह, ये वो क्या है ना, वंश भाई मेरे हर बर्थडे पे मेरे चूज किए हुए कपड़े पहनते हैं, बस वही डिसाइड कर रही थी। बर्थडे तुम्हारा और तुम गिफ्ट वंश भाई को दे रही हो? वंश भाई ना हमेशा से कपड़े चूज करने में बहुत ही बुरे हैं, इसलिए बचपन से ये अनसेट ट्रेडिशन बन गया। अब हर दिन तो ये पॉसिबल नहीं है, बट आई मेक श्योर कि मैं अपने बर्थडे पे उन्हें मेरे चूज किए हुए कपड़े पहनाऊं। इट्स रियली नाइस, आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएगा। ऑफ कोर्स आएंगे, मेरी चॉइस जो है। I'm not afraid to die।
बहुत अच्छा लगा आज रतिमा को सुकून से सोता हुआ देख के, प्यारी लग रही थी। लेकिन जब मैं उस वेयर हाउस में था ना आग रहे, और आग मेरे चारों ओर और मौत मेरे एकदम करीब, तो बिल्कुल इसका उल्टा महसूस हुआ। वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मुझे हैरान कर सके या डरा सके। लेकिन जब कुछ ही सांसें बची थी ना, तो पहली बार मुझे डर लगा आंगरे। अपने लिए नहीं, रिधिमा के लिए। मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो रिधिमा जीते जी मर जाएगी। इस एहसास ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया आंगरे। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी मौत से आंखें नहीं मिलाई, और तब मुझे किसी चीज का डर नहीं था, परवाह नहीं थी, बस एक जिद थी जीतने की, एक जुनून था। लेकिन आज रतिमा का डर देख के मुझे एहसास हुआ कि एक इंसान की सारी खुशियां आप पे डिपेंडेंट है। जान लिया है मैंने कि कितना चाहती है वो मुझे। खून देखकर हालत खराब हो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम कह रहे हो यही गोली निकालूं मैं। इस एहसास ने मुझे अंदर तक हिला के रखते हैं मेरे, मुझे डर लगने लगा है। ये डर अच्छा है भैया। इसे डर नहीं कहते, इसे केयर कहते हैं, प्यार कहते हैं। भैया जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हम उसकी बहुत केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, और यही परवाह डर बन जाती है। आप भाभी से बहुत प्यार करते हो, ये सच्चा प्यार ही तो है भैया, कि वहाँ आपके साथ गलत हुआ और यहाँ भाभी को एहसास हो गया। उन्होंने पूरा घर अपने सर पर ले लिया, वो ऐसे तूफान में भी आपसे मिलने की जिद्दी कर रही थी। वो आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन वंश भैया, आज के इस इंसिडेंट को देखकर मुझे लगता है आपको ये रिस्की बिजनेस छोड़ देना चाहिए। भैया आज तो आप दो हो, पर कल जब आप दो से तीन होगे तो ये डर और बढ़ जाएगा। No way, ये नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। वंश कहाँ गया? रिधिमा मेरी ताकत है और मेरी कमजोरी भी। एक और कमजोरी को जन्म नहीं देना चाहता मैं। नहीं, नहीं होने दूंगा मैं ये। वी आर मैंशन में मेरा बच्चा नहीं खेलेगा। मैं अपने बच्चे को मौत के डर के साए में नहीं ला सकता। उसके ऊपर खतरा आना मतलब मेरा कमजोर पड़ना, और ये मैं होने नहीं दूंगा। सिया, जिस दुनिया में मैं हूं ना, वहां मेरी औलाद के लिए कोई जगह नहीं है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.